टू स्काई कार चैनल. आई एम पुनीत एंड आई एम लिविंग इन पोर्चुगाल. और मैं पोर्चुगीज इन्फॉर्मेशन और लाइफ स्टाइल रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज बनाती हूँ. तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और भी वीडियोज बनाती रहूँ. इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग एंड आई एम एट द एयरपोर्ट एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड बिकॉज वी आर गोइंग टू विला रियाल जो कि पोर्तुगाल के नॉर्थ रीजन में है. और हम अलगार्व एरिया में रहते हैं. अगर हम अलगार्व से पोर्टो जाते हैं तो उसके लिए अगर आप बाय रोड जाते हैं तो आपको 9 से 10 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए. बट इफ़ यू गो बाय फ्लाइट देन आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लग जाता है जो कि आपका काफ़ी टाइम सेविंग हो जाता है. तो हमारी फ़्लाइट है 7 AM जो कि अब से 1 घंटे बाद है. वी आर गोइंग देयर फॉर 2 डेज एंड हम वहाँ पर वीडियो भी शूट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कैसा है विलारियाल. हमारी फ़्लाइट को अभी टाइम था तो हम एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री चीज़ें होती हैं वो एक्सप्लोर करने लगे. काफ़ी डिस्काउंट्स लगे हुए थे स्पेशली इन परफ्यूम्स. जैसे ये 20 यूरोस के परफ्यूम्स थे. ये सभी पूरे 20 यूरोस के इन्होंने स्पेशल काउंटर बना रखे थे जो 20 यूरोस के थे. 30 यूरोस के परफ्यूम्स थे. 40 यूरोस के थे. काफ़ी सारे परफ्यूम्स में डिस्काउंट्स लगे हुए थे तो ये काफ़ी अच्छी डील थी एंड वी बॉट सम. ये फ्रिज पे चिपकाने वाले मैग्नेट्स भी यहाँ पे लगे हुए थे जिसमें अलगार्व के अलग अलग प्लेसेस की पिक्चर्स लगी हुई थी जो आप अपने घर पे कहीं पे भी चिपका सकते हैं. ये मैग्नेट्स इनके ऊपर लगे होते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग. और 40 मिनट्स में हम पोर्टो एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वहां से हमने बस ली. और बस से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था. जैसे हम इंडिया में शिमला की तरफ जाते हैं तो ये पुर्तगाल का शिमला ही मान लें बिकॉज रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे. तो पूरे पुर्तगाल में ही काफ़ी ज़्यादा पहाड़ हैं लेकिन यहाँ पर थोड़े ज़्यादा थे. तकरीबन 1.5 घंटे में हम विलारियाल पहुंच गए थे और पहली चीज़ जो हमने वहां पे जाके नोटिस की कि वहां पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी. मतलब अलगार्व के कंपैरेटिवली यहां पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है. माइनस में टेम्परेचर रात में यहां पे चला जाता है तो ये काफ़ी कोल्ड रीजन है. और अब हम पहुंच गए थे विलारियाल के बस स्टैंड में. उसके बाद हमने चेक इन किया. और हम जा रहे हैं मैथ्यूस पैलेस जो कि यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है. तो हम जा रहे हैं बस से. अभी हम बस का वेट कर रहे हैं. देखते हैं कैसा है मैथ्यूस पैलेस. इंग्लिश में अगर हम विलारियाल को प्रोनाउंस करें तो विलारियाल बनता है लेकिन पोर्चुगीज में ए को आ बोलते हैं जिसकी वजह से विलारियाल बोलते हैं. बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि मैं विलारियाल क्यों बोल रही हूँ. तो इसका रीज़न यही है कि पोर्चुगीज में ए को आ बोला जाता है. बस ने हमें मैथ्यूस पैलेस के बिल्कुल सामने उतारा और ये है इसकी बाहर से एंट्रेंस. ये महल मैथ्यूस वंश का है. मतलब जो मैथ्यूस वंश के एंसेस्टर्स थे उनका है. और अब उनकी 15वीं पीढ़ी उन्होंने बताया कि 15th उनकी जो पीढ़ी इस टाइम चल रही है. लेकिन उन्होंने पैलेस के अंदर मुझे शूट नहीं करने दिया तो सैडली आई वॉज नॉट एबल टू शूट इनसाइड. उसके बाद हम वहाँ पे जो मैथ्यूस नाम का जो विलेज है पूरा
वो भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगे कि आसपास क्या चीज़ें हैं। तो आसपास काफ़ी पुराने घर थे, जैसे पूरे विला रियाल में इवन जब से हम पोर्टो में एंटर हुए हैं इतने ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स, इतने ज़्यादा पुराने घर यहाँ पे हमें देखने को मिले। ये किसी का घर था जो कि एक भूत बंगला लग रहा था मुझे, इतना पुराना, और उसके आगे गाड़ी खड़ी थी, इट मीन्स वो किसी का वहाँ पे कोई रहता था। तो काफ़ी स्कैरी घरों में लोग यहाँ पे रहते हैं। में ही एक पुरानी सी चर्च थी लेकिन वो बंद थी तो हम अंदर से नहीं देख पाए एंड वी केम बैक। देन हमारे होटल के साथ में ही बिल्कुल एक चर्च थी, काफ़ी पुरानी लग रही थी ये, और हम उसके अंदर गए। एक्चुअली यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हैं, मतलब काफ़ी रिलीजियस हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चर्चें हैं। जैसे हमारे मंदिरों गुरुद्वारों में सुबह शाम पाठ होता है, उसी तरह ये लोग भी कुछ कर रहे थे अपना, मतलब प्रेयर्स वगैरह कर रहे थे जब हम पहुंचे शाम के टाइम में। अगर आपको यहाँ पे कैंडल जलानी है देन आप ये जो गुल्लक बनी होती है इसमें 1 यूरो डालें और आप लाइटर से इनमें से कोई भी कैंडल जला सकते हैं। विलारियाल का डे टू व्लॉग मैं कल अपलोड करूंगी, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।